बहुत काल पहले एक बार भगवान शिव की देवी पार्वती के साथ श्रमण करने की इच्छा हुई। उस समय माता पार्वती अनुष्ठान पर बैठी थी, इस कारण उन्होंने महादेव से क्षमा मांगते हुए अपनी असमर्थता जाहिर की। महादेव ने उनका मन रखा और अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। महादेव के तेज को समुद्र संभाल नहीं पाया और उससे परम तेजस्वी जलंधर की उत्पत्ति हुई। दैत्यों की दशा उस समय बड़ी ही दयनीय थी। देवों के भय से दैत्य पाताल लोक में जा चुके थे। इस महान दैत्य का जन्म देखकर दैत्य शुक्राचार्य ने निश्चय किया, यह शिव का अंश ही दैत्यों का उद्धार करेगा। उन्होंने उसे समस्त विद्या दान दी और समय आने पर उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तब तक उनकी पत्नी का सतीत्व अक्ष रहेगा, तब तक उसे कोई नहीं मार सकेगा। इसके पश्चात अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से उसने कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह किया और उसके रूप और गुण की चर्चा पूरे विश्व में थी। वृंदा महान सतीत्व और नारायण की परम भक्त थी। इससे उद्दंड होकर जलंधर पूरी पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर वह वैकुंठ पर विजय करने पहुंचा। वहां उसने देवी लक्ष्मी को देखा और उनके रूप को देखकर मोहित हो गया। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला, उन्होंने जलंधर से कहा, हे वीर, मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भाव आए हैं वह सर्वदा अनुचित हैं। तुम्हारी तरह ही मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारी बड़ी बहन समान हूँ। अतः अपने कुल्पित विचारों को अपने मन से निकाल दो। यह सुनकर जलंधर को बड़ा शोभ हुआ। उसने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। वैकुंठ से निकलकर वह कैलाश पर विजय प्राप्त करने पहुँचा। वहाँ उसकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वह सब सुध-बुध खो बैठा। उसने भगवान शिव के समक्ष देवी पार्वती को प्रणय निवेदन किया, जिस पर माता पार्वती ने उसे खरी कोठी सुनाई। महादेव ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख, कदाचित तुझे यह ज्ञान नहीं है कि तू मेरे ही तेज से जन्मा है। इसी कारण जिससे तूने प्रणय याचना करी है वह तेरी माता समान है। यह दुस्साहस तूने अज्ञानता में किया है, इसी कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यहाँ से तत्काल चले जाओ, अन्यथा किसी भीषण तेरे जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान शिव का तेज देखकर जलंधर उसी समय वहां से चला गया। किंतु कुछ समय बाद जब शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे, तब वह महादेव का रूप धारण कर पुनः देवी पार्वती के पास आया। जगदम्बा को कौन ठग सकता है, उन्होंने तत्काल उसे पहचान लिया और धिक्कारते हुए कहा, पापी, उस दिन मेरे स्वामी ने तुम्हें अपना पुत्र मानकर छोड़ दिया था, किंतु जीवित रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहते ही देवी ने महादेव का ध्यान किया। महादेव तत्काल वहां उपस्थित हुए और क्रोध में जलंधर का वध करने को चले। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए नारायण और महादेव के साथ सभी देवी देवता कैलाश उपस्थित थे। सभी प्रसन्न थे कि आज से उन्हें जलंधर के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। जब दोनों में युद्ध शुरू हुआ तो देवता भी यह देखकर हैरान रह गए कि भगवान महारुद्र केवल जलंधर के प्रहार को रोक पा रहे थे, किंतु उस पर कोई प्रहार नहीं कर सके। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप इस दानव का वध करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस वीर को स्वयं ब्रह्मदेव ने वरदान प्राप्त किया है। जब तक इसकी पत्नी का सतीत्व सुरक्षित रहेगा तब तक इसका वध असंभव है। अगर मैं इस पर प्रहार करता हूँ तो तत्काल यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और ब्रह्मदेव का वचन निष्फल हो जाएगा। ऐसा कहकर महादेव ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्हें कोई उपाय करने को कहा। भगवान शिव का संकेत मिलते ही नारायण जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति को सामने देखकर वृंदा दौड़कर उनके समक्ष आई और उनसे अपने पति के समान व्यवहार करने लगी। भगवान विष्णु को स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। तब महारुद्र ने युद्ध में अपने त्रिशूल से एक ही प्रहार में जलंधर का वध कर दिया। उसका कटा हुआ सर सीधा वृंदा के सामने जाकर गिरा। उसे देखकर वृंदा समझ गई उसके साथ छल हुआ है। तब उसने क्रोध में आकर जलंधर रूपी नारायण से उनका परिचय पूछा। तब भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आए। तब वृंदा ने रोते हुए कहा, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है और आपने अपने भक्त के साथ ही छल किया। इससे कहते ही वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए आगे बढ़ी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, देवी लक्ष्मी ने उनके पति के दुष्कर्मों के बारे में बताया, ऐसा ना करने को कहा। इस पर वृंदा ने नारायण को सीधा श्राप तो नहीं दिया, किंतु उनके एक रूप को शिला बन जाने का श्राप दे स्वयं अपने को भस्म कर लिया। उनकी भस्म से एक पौधे की उत्पत्ति हुई जिसे नारायण ने तुलसी की उपाधि दी। फिर अपने एक रूप को स्वयं शालिग्राम के रूप में प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारा
सतीत्व धन्य है। आज से मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और मेरे इस रूप में केवल तुलसी का ही अधिकार होगा, किंतु अन्यथा किसी और का नहीं। तब से आज तक भगवान नारायण के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह होता है। अब शहर का नाम जलंधर दैत्य जलंधर के नाम पर पड़ा। वहाँ वृंदा माता का एक मंदिर भी है। आज भी सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा होती है और उन्हें तुलसी अर्पित की जाती है। तुलसी का पौधा पीपल वृक्ष वड के समान हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। विश्व में सबसे अधिक वास्तविक शालिग्राम नेपाल की गड़गी नदी में पाया जाता है। आज भी इस नदी में जल के ऊपर तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं तो शालिग्राम स्वयं ही जल के ऊपर आ जाते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को विष्णु भगवान और महारुद्र की यह कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय विष्णु अवश्य लिखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।